हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसमें शुभम ब्लॉग्स। तो लास्ट वीक को मैं बोला था मेरा गोप्रो आने वाला है, तो फाइनली मेरा गोप्रो आ चुका है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो ये लास्ट वीक का आया था, अनबॉक्सिंग हो चुका है, बट हम लास्ट वीडियो में बोला था गोप्रो आने वाला है मेरा, ऑर्डर कर चुका है, अनबॉक्सिंग करके वीडियो अपलोड करेगा, आप लोग को अनबॉक्सिंग दिखाएगा। तो ये रहा मेरा गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, आप देख ही सकते हो। तो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग मैंने कर चुका था, तो मैंने देखने के लिए तो सब ठीक ठाक ही है जो मैंने चेक किया। तो अभी आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो गोप्रो में अमेजोन से परचेस किया हुआ है, तो ये गोप्रो देख ही सकते हो 20 मेगापिक्सल के, और बाकी ये सब यहाँ में डिटेल्स दिया हुआ है, और आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसका बैक साइड में ये सब दिया हुआ है 20 मेगापिक्सल, ये सब 33 PTA 8X वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। और ये एप्पल स्टोर में भी और एंड्रॉयड प्ले स्टोर वहाँ में भी दिया हुआ है, आप वहाँ में जाके भी इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसका साथ आपको ऐसा ये ऐसा था, बट मैंने खोल चुका है ऑलरेडी। तो इसको ऐसा करने से गोप्रो से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जो ऐसा टाइप का कुछ होगा। तो बॉक्स बहुत अच्छा लगा हमको देख के, तो उसका मतलब सेफ्टी का साथ है बॉक्स, आप देख ही सकते हो। तो ये है गोप्रो का बॉक्स, तो आप ऐसा करके इसको ओपन कर सकते हो। तो बॉक्स देखिए, तो जब खुलेंगे तो ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो ये रहा गोप्रो का, आपको मतलब कैसा सेट करना है क्या नहीं, हेलमेट में कैसा सेट करना है ये सब दिया हुआ है, मतलब पिक्चर का साथ। तो और स्टिकर भी है यहाँ में, आप स्टिकर लगा भी सकते हो। तो फिलहाल मेरा 3 स्टिकर ही चाहिए, एक गोप्रो में लगेगा, एक मेरा हेलमेट में लगेगा, एक मेरा बाइक में लगेगा। और ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक्स, ये सब का अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, तो ये सब मैं साइड में रख देता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मेरा ये फास्ट कुछ सामान खरीदा ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो, और बहुत कॉस्टली भी है, बहुत अच्छा लगा। कुछ पर मेरा फास्ट ड्रीम जो था वो पूरा हो चुका है। तो ये रहा गोप्रो, और इसका साथ मैंने मेमोरी कार्ड भी लिया हुआ है, वो 128 GB का, आप देख ही सकते हो 128 GB है, ये भी खुला हुआ है, मतलब ऑलरेडी चेक करने के लिए देखा था तो ठीक ही है। ये रहा हम लोग का गोप्रो, इसका फ्रंट में भी डिस्प्ले है, और ये यहाँ पे भी डिस्प्ले है, और पूरा फुल्ली टच स्क्रीन है। ये आपका ऑन बटन है, ऑफ करने के लिए भी ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, और ये जो है ये कैमरा है, ये आपका स्पीकर, और यहाँ में दिया है आपका माइक्रोफोन, ठीक है। और ये है स्टार्ट रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए और ऑफ करने के लिए, ये सब बैक या कुछ ये सब बटन काम करने के लिए दिया हुआ है। तो और बाकी जो है ये क्लेम दिया हुआ है हेलमेट में लगाने के लिए, तो ये नया नया लिया है मैंने, तो इसके लिए बहुत हार्ड है इसको खोलना, मेरा ऐसे नहीं खुल रहा है, बहुत टाइट है। तो इसके लिए मैं गिटार का स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, इसको ऐसा प्रेस करना है, ऐसा करके ऐसा ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये गोप्रो का आपका डाटा केबल जो दिया हुआ है, ये गोप्रो से आता है, गोप्रो का ओरिजिनली यूज़ करना है सबको, ओरिजिनली जितना मिलता है ओरिजिनली यूज़ कीजिए, यहाँ में लिखा हुआ है गोप्रो करके ऐसे दिया हुआ है ये। तो ये साइड में देता हूँ, अभी फ़िलहाल चार्ज है मेरा, तो ये चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये रहा गोप्रो का बैटरी, और हम एक्स्ट्रा भी परचेस किया हुआ है बैटरी यहाँ में, तो फ़िलहाल नहीं चाहिए इसको, तो एक्स्ट्रा इसका 3000 समथिंग लिया हुआ है, तो ये अभी नहीं चाहिए, ये भी ठीक ही है, बैटरी चेक करके देखा था, तो इसको साइड में रख देता है। और ये दिया हुआ है कुछ हेलमेट वगैरह में लगाने के लिए क्लेम वगैरह, सब यहाँ में मिल जाएगा आपको, यहाँ में डाटा केबल भी इसका साथ ही मिल जाएगा, तो इसको मैंने रख देता हूँ साइड में, इसको अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो ये रहा मेरा गोप्रो, अभी इसमें चाहिए ये बैटरी चाहिए, और मेमोरी कार्ड चाहिए, और इसका साथ मिलेगा आपको यहाँ में कुछ माइक्रोफोन वगैरह, इसका समथिंग 600 समथिंग है शायद, यहाँ में 699 है, यहाँ में देख सकते हो प्राइस। तो इसका भी पैकिंग हमको ज़बरदस्त अच्छा लगा। तो इसका साथ आता है आपका माइक, और इसका माइक का साथ सेट करने के लिए ये सब है। तो और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गोप्रो के लिए, जो आपका जो मेन काम करता है ये एडाप्टर, ये मतलब माइक के लिए, और एडाप्टर ये मेन है, इसका बिना तो आपको साउंड कुछ सुनाई नहीं देगा गोप्रो में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गोप्रो का। तो इसको भी साइड में रखता हूँ, जो मतलब एक्चुअल में ज़रूरत है मेरा वो साइड में रख देता हूँ, ये मेमोरी है ये सब है, और ये हेलमेट में लगाने के लिए लगाने का क्लेम है, ये तो इसका बिना तो नहीं लगा सकते आप लोग, तो इसको भी साइड में रख
बता देता हूँ, तो धीरे धीरे दिखाने वाला हूँ कौन कैसा है क्या नहीं। और एक पावर बैंक भी रखा है मैंने चार्ज के लिए, तो आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। तो ये रहा बैटरी, और इसको बोला ही था कैसे करके खोलना है, तो मेरा ये खुल चुका है। तो ये रहा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड देता हूँ निकल के। और मैंने HP का परचेस किया हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं 128 GB का मिलता है ये, 128 GB समथिंग है। तो इसको आप ऐसा करके लगा सकते हो, या मैं ये ऐसा करके, या मैं हल्का सा ऐसा करने के बाद, ये ऐसा करके करने के बाद इसमें प्रेस कर लीजिए, तो ये लग गया। और बैटरी इसको ऐसा करके लेके ऐसा करके लगा दीजिए, और खुलने का टाइम में इसको ऐसा करके खुलना है, तो ऐसा लगाना है, ऐसा करके खुलना है इसको। तो मैं फिलहाल अभी लगा देता हूँ। और ये है आपका डाटा केबल के लिए। तो ये रहा मेरा पावर बैंक है, इससे भी चार्ज दे सकते हो आप, तो इसको ऐसा करके चार्ज दे सकते हैं। चार्ज देने के बाद ये रेड कलर सिग्नल शो करेगा, या में भी शो करेगा, उसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी चार्ज है मेरे पास, तो नहीं चाहिए, तो आपको दिखाने के लिए चार्ज दे रहा था। अभी इसको करते हैं साइड। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसा करके प्रेस करके, ऐसा प्रेस करने से ये हो गया आपका लॉक, मतलब सेफ। तो और ये वाला भी क्लेम दिया हुआ है आप बाइक में लगाने के लिए, तो मेरा नए पास नेल्स नहीं है, तो हम इससे करता है ये। तो ये रहा ऐसा करके होल्ड करने के लिए क्लेम। और आपका फ्रंट में भी डिस्प्ले दिया हुआ है, ये अभी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए कैमरा को करता है ऑन, ये प्रेस करके रखना है यहाँ में ऑन बटन। तो ये रहा कैमरा हो गया ऑन, आप देख ही सकते हैं इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। और यहाँ में जाके क्विक ऐप बोल रहा है एक कुछ सेट करने के लिए, तो फिलहाल मैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बाद में सेट कर सकते हैं हम, तो बाद में सेट कर दूंगा, ये अपडेट हो चुका है। तो ये फ्रंट का डिस्प्ले है, आप देख ही सकते हैं क्वालिटी देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी। और ये यहाँ में भी आपको दिखाने के लिए ये वाला है, यहाँ में भी डिस्प्ले दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो ऐसा करके। तो यहाँ में भी फ्रंट का डिस्प्ले है, फ्रंट का डिस्प्ले ऐसा शो करेगा, और ये वाला बैक का डिस्प्ले ऐसा शो करेगा, आप देख ही सकते हो ये सब, मतलब ये फोन में आपको क्या कैसा ब्लॉगिंग हो रहा है कैसा नहीं, वो देखने के लिए सब दिखेगा, चार्ज वगैरह सब, मतलब यहाँ पे जो जो शो करेगा वो आप में भी थोड़ा कुछ शो करता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो पहले से बना हुआ है, तो ये सब यहाँ में रह गया। तो इसका बैक करते हैं, बैक का बनाया सेटिंग देख सकते हैं, ये टाइमर में है, वीडियो भी, वीडियो मूड करने से वीडियो में हो जाएगा। ओके, ये आपका कुछ सेटिंग्स वगैरह, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये टाइम लैप्स दिया हुआ है, मतलब टाइम में सेट करने के लिए। उसके बाद दिया हुआ है आपका ये रहा वीडियो, यहाँ से वीडियो कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फ़ोटो भी कर सकता है। फ़ोटो खींचने से ऐसा करके लेके या में क्लिक कर लीजिए, ये या में बटन दिया हुआ है, ये आपका फ़ोटो क्लिक हो चुका है। तो देखने के लिए आप या में से ऐसा स्वैप कीजिए, तो ये वाला फ़ोटो जो क्लिक किया था ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो सेम करके वहाँ में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, या में जाइए तो या में वीडियो सेम ऐसे सिस्टम है। तो ठीक है, ये वाला अभी तो हो गया, तो आप लोग को दिखा दे चुका है हम, तो इसको कर देता है ऑफ। और इसका क्वालिटी भी हम बाद में दिखाता रहेगा आपको, क्वालिटी कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको फिलहाल कर देते हैं हम लोग ऑफ, तो ये हो चुका है ऑफ, इसको प्रेस करके रखने से ऑफ हो जाएगा। और कमांड भी देख सकते हैं, इसको ऐसा करके लेके ऐसा, तो इसको ऐसा करके इसको ऐसे खोल सकता है, तो ये रहा खुल गया इसको, क्योंकि ये हेलमेट में इसको खुलना ही पड़ेगा। और इसको ऐसा करके प्रेस कर देने से ये लग जाएगा, ये रहा लग गया, और इसको ऐसा करके प्रेस कर दिया तो ये रहा खुल गया, थोड़ा ज़ोर से करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो क्लेम लेके आया था, तो इसको अभी हम लोग इसको लगाएंगे अभी क्लेम में। ये रहा, इसको खोल दिया, तो ये क्लेम जाएगा आपका कैमरा साइड कैमरा यहाँ में। तो ये रहा क्लेम, तो इसको आराम से घुसाना है भाई, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। और हमें इसको ऐसा करके प्रेस करने से ऐसा खुल जाएगा, तो इसको दे देता है घुसा के ऐसा करके अंदर से आराम से। उसके बाद इसको कर दीजिए लॉक, उसके बाद ये वाला यहाँ में ऐसा है, इसको यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, पूरा सेफ्टी का साथ दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा शो करेगा आपका GoPro, आप देख सकते हो। तो ये रहा मेरा हेलमेट में लगाने के लिए रेडी हो चुका है, तो इसको लगा चुका है अभी। तो इसका साथ आपको चाहिए वाला ये, इसका बिना तो GoPro का कुछ काम नहीं, आपका वॉइस वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसा प्रेस करने का बाद, इसको ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा घुसाने का बाद, ये रहा आपका घुस, ये ऐसा घुसने का बाद ये जाएगा ऐसा टिक टक, आपका जैसा अच्छा लगता है ऐसा करके दे दीजिए घुसा के, ये इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हो गया, ये ऐसा करके घुस गया हमें।
तो घुसने के बाद अभी आपको चाहिए ये वाला माइक, तो इसको ऐसा करके घुसा दिया। और आपको अगर थोड़ा अच्छा वाला कुछ सिस्टम चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको भी ले सकते हो। मतलब साउंड क्वालिटी मतलब अच्छा आएगा, क्योंकि वो होल कभी कभी छोटा हो जाता है, तो इसका हिसाब से ये वाला परफेक्ट है। तो ये रहा आपका माइक, ये रहा आपका ये, तो GoPro हो गया सेट। अभी आपको हेलमेट में लगाने के लिए GoPro हो चुका है रेडी। तो मेरा पास फिलहाल है एक हेलमेट, ये तो मैंने लास्ट टाइम कुछ मॉडिफाई किया, मेरा ब्लॉगिंग में जो लोग सब्सक्राइब किया है वो लोग को पता ही होगा ऐसा कुछ है सिस्टम। या में मेरा पास ब्लूटूथ भी है, तो ये ब्लूटूथ भी लगाया, अभी फ़िलहाल ब्लूटूथ का ज़रूरत नहीं है, तो इसको खोल देता है। खोलने के बाद यहाँ में मेरा तो सेटिंग लगा हुआ ही है, यहाँ में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरा पास एक तो कुछ वो क्लेम दिया हुआ था जो GoPro का अंदर ही रह गया, तो ये क्लेम को निकाल देता है। फिलहाल मैंने इसको क्लेम लगा के रखा है, तो अभी यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हेलमेट को थोड़ा सा ऐसा प्रेस कीजिए, इसका ये होल है, होल का अंदर ऐसा करके घुसाते घुमाते रहिए, ये लग जाएगा। ये रहा आपका, ये लग चुका है, तो ये थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। ये हो गया मेरा GoPro टाइट, और ये हिल भी नहीं रहा है, तो पूरा फोर्सफुली टाइट हो चुका है। और इसका जो क्लेम दे चुका है ये, मतलब क्लेम ऐसा करके लगाने के लिए दिया है, साइड में ऐसा करके लगा सकते हो यहाँ में, तो इतना मुझे सेफ्टी कुछ नहीं लगा, क्योंकि GoPro बहुत वेट होता है, भारी होता है, तो इसका थोड़ा सा ये आठा से नहीं होगा, तो इसको साइड में रख देता है, ये नहीं चाहिए। तो मेरा पास ये जो है ये थोड़ा हैवी लगा, तो यही बेटर होगा मेरा। तो माइक वगैरह, तो आप माइक आपका हिसाब से, या से आपसे हम जैसा बोला था आपको, तो या से ऐसा करके लगा सकते हो, या से चार्ज भी कर सकते हो। तो माइक को हमेशा नीचे से रखना है आपका, जहाँ पे अच्छा लगे तो वहाँ में ऐसा करके रख सकते हो, ठीक है। माइक को ऐसा करके रखने के बाद, उसके बाद आपका ऑलरेडी हेलमेट रेडी हो चुका है ब्लॉगिंग के लिए, तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, और सेटिंग वगैरह भी यहाँ से देख सकते हो ऑन करके। तो मैं फिलहाल दिखाई देता हूँ आप लोग को, तो यहाँ से करना है इसको ऑन। ऑन करने के बाद आपको ये व्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब ठीक ठाक ही है, आपका हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, हिसाब से ऑफ कर सकते हो। तो मिला फिलहाल मैं कर देता हूँ ऑफ इसको। अभी देखिए कैसा लग रहा है मेरा हेलमेट अभी GoPro का साथ, आगे में कमेंट करके बोलिए, ठीक है। और ये जो लिया था इसका ऊपर और एक लेंस लगता है शायद, वो वाला लेंस बाद में मैं मंगाऊंगा, टेम्पर ग्लास भी मंगाऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए ये चलेगा मेरा। तो इससे मैं शूट करके भी दिखाऊंगा आपको कैसा है क्या नहीं। तो अभी पता चल गया, सब सेट हो गया ये हेलमेट में, अभी ब्लॉगिंग के लिए मेरा रेडी है। और खुलने का टाइम में इसको ऐसा करके खुल सकते हो आप। सो आज का वीडियो मैं यही रख रहा हूँ, आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा। तो अच्छा लगने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।